इंगराज कनाल के सीध मुख के सारी नेरे बंदा लगा दो अपनी बॉर्डर पर, एक दिन में जे सीधो नहीं हो जेड़ो तो एक दिन में जे नहीं हाल जे सरकार दिल्ली ता ही हाल जे मुंडा मारी खाली पड़ी है खेत में टैंकर मंगावा हरियाणा मजबूरी हो गई घर के अंदर खाने के लिए अन्न भी नहीं। 2005 में हमने लाठी भी खाई, खा सकते हैं उसका दर्द सहन कर सकते हैं, पर खेत में फसल बढ़ती हुई उस वक्त में सहन नहीं होती। हर साल पानी के लिए मैं लड़ना ही पड़े, जब मैं क्यों भी मेज भर ला रहे थे कनक ला रहे हो, हरियाणा पूछे गए पंजाब को दिया, पंजाब ने पूछे गए पाकिस्तान को दिया, मतलब गुमराह गुमराह करे। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें फ्लिकी क्लासेस। ऑनलाइन तैयारी के लिए डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। सगले भैया राम राम और सलाम, मैं हनुमान थे देख रहे हो जलको हनुमानगढ़। आज आप जसाने गांव के अंदर पहुंचा, जसाने गांव के अंदर टंकी पर है तीन किसान। आज छठो दिन है और अभी तक आगे कोई भी प्रशासन के द्वारा और है सुनवाई हुई कोनी। सिंचाई पानी की मांगने लगे नोर फीडर ने है, मैं 332 क्यूसेक के पानी की मांगने लगे आंदोलन करा के। हालांकि छठो दिन है और जिका नेता है वे वोट ले लेंगे, घरे जरूर बैठ गया, लेकिन अभी तक आगी मांगने सुनन खातर अभी तक आया भी कोनी है। तो वहाँ तक भी आवाज़ है, आप पहुँचनी जरूरी है क्योंकि वोट तक ही सीमित को रहो, आगे भी चुनाव आना है। तो आगे भी समस्या जी की है, हरियाणा क्षेत्र में पानी की मांग आन लाग रही है, तो लंबे टाइम हो जी की मांग चलन लाग रही, लेकिन समस्या वही है और लेकिन समाधान जी को प्रयास है वो कौन ही होने लाग रहे हो। वीडियो शेयर जरूर करियो ताकि हनुमानगढ़ जिले की देसी अंदाज में देसी खबर थाने मिलेगी। फिलहाल अपने सगे पंचायत समिति सदस्य है रमेश जी, आप से अगर बातचीत भी करके देखा आप पूरी समस्या है जी की कदम आने लग रही है। समस्या तो है जी 2005 बार बार आंदोलन करता रहा, प्रशासन है जो आश्वासन देते रहो, लिखित समझौता दे दिया, समझौता कभी लागू करियो को नहीं। इतनी बार हर साल में दो बार आंदोलन हुआ ही, कभी रोड जाम कदी की आईगढ़ करा ही करा आंदोलन। हर साल पानी के लिए मैं लड़ना ही पड़े, फिर ही मैंने समझौता लिखित में दे दिया, गुमराह कर दिया किसानों ने, कैब का लागू कर दिया, अबका लागू कर दिया, लागू वस्ते ही करियो को नहीं। लास्ट में आगे मैं टंकी पर प्रशासन घर में गया 23 तारीख का, प्रशासन माने ज्ञापन दियो, प्रशासन ने क्यों भी माने पूरा पानी दियो। लारे 13 दिन थे बंदी दे दी, भाकड़ा वहाँ हमारा बंदी है को नहीं, 13 दिन बंदी दे दी, 13 दिन किसान तो कड़क पकड़ने तैयार हो रही है, किसान पकड़ लेट हो गई, बढ़ गई किसान ही वापस ना बढ़ गई, जब मैं क्यों भी मेहनत भर ला रहे थे कनक ला रहे हो, मारे वहाँ गुमराह कर गए, भाषा बदतमीजी करी भी आगे टंकी पिछड़ी। अच्छा किंग द्वारा करी जी है बदतमीजी, और एक्शन साहब है एक्शन क्या होगा, कोई पानी को नहीं टंकी पिछड़ जाओ थारू जी करे कर लिया, तो ज्ञापन दे दो जाओ, मैंने हरियाणा कौन दिया, हरियाणा ने पूछे पंजाब कौन दिया, पंजाब ने पूछे पाकिस्तान कौन दिया, मतलब गुमराह करे। नेता सदा ही कहता रहे है पानी पूरा लिया के देगा, नेता पर निर्भर है किसान, अब दूर हो तो जावा पानी है जो किसान ने लेना पड़ेगा, किसान ने ही संघर्ष करना पड़ेगा, नेता से उम्मीद छोड़ दी। तो अब मैं 23 तारीख का एक्शन साहब के कने गया, भी धरना प्रदर्शन पीछे बहुत क्रीड़ा है, 2005 में मेरा हाथ ही भी टूटा है, बिगो दर्द हुए ना, जो ही पानी नेर में कम हुआ, जो मेरी यादाश्त था वो करे भी पानी आपने कितो है कितो ने, मैं ये नॉलेज भी लियो, नॉलेज ज्ञान मंदियों का इतो पानी है जो बहुत ही हरियाली छाई रहे, पर्याप्त मात्रा में हमारे अनाज भी हो गए, पर वो पानी जावे गठे वो माने बेरो को निपटाए कहीं सिंचाई विभाग तो कह हरियाणा पंजाब कौन दे। तो मैं बैठू एक्शन साहब कन गया, मुको साहब 2 दिन हो गया नेर चलती ने, पानी 50-60 कुछ की है, पानी चाहिए 200 कुछ की, तो कह पानी हरियाणा पंजाब कौन दे। तो मैं पूछो कह CP5 पर कितो है, CP5 पर बोलो कह अमर सिंह ब्रांच चलने लग रही है, डिमांड है हमारी 400 की और पानी है 410। तो साहब वो हरियाणा पंजाब से आवा है कि या पाकिस्तान आवा है, जद बोलियो कह मन हरियाणा कौन दिए। तो मुगो साहब माने बेबस ना करो, टंकियां पर ना चढ़ाओ, मैं धरना प्रदर्शन कर लिया, बट अब अंतिम मारो फैसलो है कि थे टंकियां पर मन ना चढ़ाओ, बोलियो भी टंकियां पर चढ़ो तो लियाओ ज्ञापन दे दो, दूसरे फिर कहो टंकियां पर ना चढ़ाओ फिर कहो ज्ञापन दे दो। तो सर बेबसी हो गई, धरना प्रदर्शन नीचे बैठ गए, शांति प्रिय गणा कर लिया, ये कानून का उल्लंघन किया है हमने, वाकायदा उल्लंघन किया है हमें, आपको मालूम हमें भी मालूम है, पर बेबसी बस बड़ी मजबूरी हो गई, घर के अंदर खाने के लिए अन्न भी नहीं, जो अन्न होता है सावणी की फसल है वो हाड़ियों में लगा दी, अब हाड़ियों में कितनी खर्चा आता है वो सबको पता है कि खेतों में कितना खर्चा लगता है, वो फसल काल ही हमने कणक गेहूं दिखाई, जिनके पास ट्यूबवेलों का साधन नहीं है उनकी कणके दिखाई इस प्रकार की हो गई, शरीर में आग लगने लगी, तो हमने ये कदम उठाया है, कानून का उल्लंघन किया है हमने, वाकायदा कह रही है। बाद में यहाँ केस का भी करे बता के? केस कर दिया सब कुछ कर दो, पानी दे दो, केस भी भुगत लेंगे, जेल भी उड़ जाएंगे। 2005 में भी हमारे गए, 2005 में हमने लाठी भी खाई, खा सकते हैं उसका दर्द सहन कर सकते हैं, पर खेत में फसल बढ़ती हुई उस वक्त में सहन नहीं होती। यहाँ पर कोई नेतागण नहीं आया, अभिषेक जी एक बार आया, अभिषेक जी के टाइम में भी तो समस्या आई है नहीं, उस टाइम भी हमने धरना प्रदर्शन किया, ये नहीं कि बीजेपी पार्टी के अंदर नहीं किया, बहादुर सिंह जी थे एमएलए उस वक्त, 2005 में हमने लाठियां खाई, उसके बाद
अभिषेक जी की टाइम में बहुत लंबा चौड़ा किया है और आज चचाण साहब के सामने भी कर ले धरना प्रदर्शन चल रहा है। पानी नहीं, नेता लोग रेगुलेशन, मैंने कहा रेगुलेशन बनवा दो, एमएलए साहब घर पर बुला करके एससी और एक हरि सिंह जईए ने आया, आईए ने आया था, उन्होंने कहा हमारा रेगुलेशन तो बना दो, हमारी नहर का तो क्या ये रेगुलेशन इसी प्रकार चलेगा, तो रेगुलेशन ही नहीं है हमारी, डेली का पानी लेती है, कोई रेगुलेशन नहीं है नोर फीडर का, और सब नहरों का पूरे इंडिया के अंदर रेगुलेशन है नहरों का, पर एक नोर फीडर का रेगुलेशन नहीं है, डेली का पानी लेती है चोरों के लिए। आप माले ऊपर बैठे हैं तो पानी कह नहीं, थोड़ा बहुत की तो की भेजन लग गया नहर में, जद बाद में 200 जगह 120 पानी आ रहा है, एक दिन 130-135 आया, 200 तो नहीं आया पानी, तो आंदोलन करियो जदी आयो है, यूं पहली बरवाली नहर चली, तीन दिन बरवाली की टेल पर पहुंचो, तीन माइंद्राम दियो भला आदमिया जो पूरी नॉर्थ फीडर सिस्टम को पानी और 200 कुछ की डिमांड ही पूरा सिस्टम फीड वार, जबकि दो तीन महिंद्रा ने आ गए टेल पहुंचने का, तीन दिन दियो, तीन दिन बाद में पीछे से फेर बंद हो गया, विभाग कहां ले जा रहा है पानी पता नहीं, चोरों चोरों को पानी देती है, चाहे सिद्धमुख नहर हो, चाहे अमर सिंह ब्रांच हो और चाहे नॉर्थ फीडर, नॉर्थ फीडर में 27 किलोमीटर में बंद नहर आ रही है, वहां पर अनेकों ट्यूब पड़ती है, कोई अंदाज नहीं, हमारा पूरा पानी वहां पर भी निकाल लेते हैं, सिद्धमुख नहर में पीछे पूरा भादरा निकाल लेता है, अमर सिंह ब्रांच में वहां पर भी पूरा भादरा निकाल रहा है, क्यों 400 क्यूसक पानी से पूरा सिस्टम फीड होना चाहिए, 410 में 355 का सिस्टम है, उसमें से भी 5 क्यूसक हमारे नॉर्थ फीडर में आ गया और 25 क्यूसक सिद्धमुख नहर में चला गया, बनता 225 और पानी है उनके पास 420 425 410, इससे कम बारबंदी में चलता ही नहीं और सिस्टम करता है आधा फीट, ये वो पानी कहाँ जा रहा है, किस प्रकार मोगे लगे हैं पता नहीं, वो तो उनको ही पता है अमर सिंह ब्रांच वालों को और उन्हीं काश्तकारों को, हम वहाँ पर कभी गए पानी चोरी रोकण खातर तो कह नहीं, सिंचाई पुलिस थानों भी खुल गई सर, अभी हमारे एक ट्यूब पकड़ी थी फेफड़ा गांव के अंदर और हम धरने के ऊपर बैठे थे, तो वहाँ पर कहते हैं कि एक जेएन और एक पुलिस विभाग और हमें कह रहे हैं कि आओ हमें ट्यूब पकड़ाओ, वो ट्यूब वो पड़ी नेर की पटड़ी पर लपस, उसने आपने मुझे दिखाई जेएन और एक पुलिस विभाग का, एक हमारे ठेकेदार का ड्राइवर बार बार कह रहा है कि ट्यूब पड़ी है, आप 5-7 आदमी भेजो यहाँ पर, वो ट्यूब तो उठा करके ले गए, बाद आप खुद बाज गए, ट्यूब वहीं पर पड़ी है, बोलो ये है पुलिस लगाई, सिंचाई विभाग के अंदर है हमारी नॉर्थ फीडर का जो आय होती है ना उससे ज्यादा सिंचाई विभाग पर खर्चा हो रहा है, हमारे राज्य सरकार का है ना, हमारे खेतों में फसल नहीं हो रही इतनी, उससे ज्यादा सिंचाई विभाग पर खर्चा हो रहा है, मैंने एक बार पहली चीफ साहब को कहा कि अगर सिंचाई विभाग पर आप जितना पैसे लगाते हो उतना पैसे हमारे बीघे प्रति बीघे के हिसाब से हमारे खाते में गिरा दो, ये पानी बंद कर दो बोले फिर भी हम बचत में रहेंगे, ये हमारी हालात कर रखी है, क्यों गेहूं बीज दी उसके बाद में बढ़ गई, सरसों बढ़ गई, काश्तकारों की ये हालत है, बिरानी दाना हुआ है थोड़ा घना, बरसात हुआ जद बीसू पेट लियाड़ी करना चाह बाबी बेबसी कर दी, क्यों कहीं पानी वाले पर पीसो लगा दिया, वो खेती एक बारी पानी आ गया, जमींदार हूँ जमीन आ ली हुई बाद में रही जा को नहीं भी खेत में बोड़ो चावागो और बोवागो वो सही सलामत पैदा नहीं हुआ बेबस हुए, हालात ही नॉर्थ फीडर सिस्टम में कर रखी है सिंचाई विभाग ने, मैं आज जल उपभोक्ता संगम में 8 सालों से 9 सालों से ये देखा है, सिंचाई विभाग एक खुद सरकार है, सिंचाई विभाग पर कुछ नहीं होता ये देखा है मैंने, बस ये सरकार है चाहे एमएलए हो एमपी हो कुछ नहीं उसको कर रहे, इस पर क्यों नहीं कानून की ये एक दोषी सिंचाई विभाग है उस पर कानून कार्रवाई क्यों नहीं, मेरा ये कहना है, मांग तो मारी आई है 332 पानी कुशक फोरते आऊगा, धरना खत्म करांगे ते नहीं इतने धरना खत्म नहीं करांगे, 5 तारीख नु रोड जाम करांगे, रोड जब तक कोई साल वार्ता नहीं करूंगा रोड नहीं खोलांगे, 5 दिन रोड बंद रहे 6 दिन रहे वहां तंबू ला के उत्थे बैठांगे सी, अगर रोड जाम ना होया ਅਸੀਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਸੀ ਰਾਮ ਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਆਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਟੰਕੀ ਤਾਂ ਜੀਆਂ ਟੰਕੀ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਪੜਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੰਕੀ ਆ ਜਰਜਰ ਹੈ ਟੁੱਟੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਬੈਠਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੇਠ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੇਨ ਵਰਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਰੋ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਓ ਬਰਸਾਤ ਬਰਸੂਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਇਓ ਅਬ ਰੋਜ਼ ਕੋ ਮੈਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲਵਾਈ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਿਓ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਫੁੱਟੜੀ ਟੰਕੀ ਹੈ ਪੜ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ ਜਈ ਨਾਇਓ ਵੀ ਜਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੀਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਗਰ ਇੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘੱਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ ਰੁੱਤੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਵਜਾਓ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਖਾਲੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਵਰਦੀ
वृद्धि भी है परेशान हो गया ऊपर पानी पड़ेगो लैठू खड़ा हो जाएगा। मैं कभी मैं ऊपर जाए बैठ सका मैं खड़ा को नहीं हुआ मैं मारी और व्यवस्था कर लेगा फिर मैं कागजी ले आकर कागजी लगा कागज लिया मैं कोई बात कौन थे बुरे रखो फिर थारो काम करो मैं मारो संघर्ष करा वो खत्म हो रहा प्रशासन है नोर तहसील में पता नहीं है के करे के ना करे एम एल ए नहीं शर्म को नहीं आया अभी तेरह किसान तेने वोट दिया है अरे फैसला हो ना अभी कंसा पूछ तो सोरी बंदा लगा दू बॉर्डर पर अपना हरियाणा बंद कर दे रखो चार दिन हम के मरो एक दिन में जी नहीं हाल जी सरकार दिल्ली का ही हाल जी इंगराज कनाल के सीध मुके सारी ने रंग बंदा लगा दू अपनी बॉर्डर पर एक दिन में सिद्धू नहीं हो जेड़ेंगे तो संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया है कि आने वाली 5 तारीख को बुधवार को भादरा मोड़ पे पड़ाव डालेंगे किसान और ये धरना अपना यहाँ पे किसान ये जारी रहेगा 11 बजे का टाइम है आप सभी लोग वहाँ पे बताने किसी काम आयो ट्रैक्टर ट्रालिया ले गया या गाड़िया ले गया या कई मोटरसाइकिल है कई साइकिल है कई पैदल ही है थारे भी सिंचाई पानी की समस्या भी पूरे में आ रही है समस्या की है पानी है ही को नहीं हमारी खाली पड़ी है खेत में टैंकर मंगावा हरियाणा हूँ अब बहु पानी की पूर्ति करने आ रहा हालात हो रही है हमारी 332 को सिस्टम है पानी को नहीं 60 कुछ की दिल्ली में चले ना दिल्ली में वो भी यहाँ चलेंगे जाम करेंगे भाई साहब उससे पूरे हाँ बिल्कुल जाम करेंगे 5 तारीख को बादल और जाम करेंगे आज तो 5,000 आदमी बैठो यहाँ अगर 35,000 समेत लुगाइया ले गया जाऊंगा एच डी में लुगाई की दुकान बैठे तय कर लेगी मानने के मतलब हमें अपनी जान देनी पड़े पर पानी 332 लेकर आएंगे बिल्कुल देखो जी अपनी खाते हैं खुद कमाते हैं खाते हैं डरते नहीं हम किसी से ये किसान और किसान के पैदा हुए हैं किसान के बेटे हैं ये किसान की किसान की पीड़ा है और शासन प्रशासन तक आप वीडियो भी आपने पुगे और देखने लग रहे हैं तो पर गौर भी करियो जावे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो अगर नहीं करियो है तो क्योंकि देसी झलक हनुमानगढ़ की भावी थाने मिलेगी जय हनुमानगढ़ जय राजस्थान जय हिंद।